दोस्तों, लॉकडाउन में काफी लोग काफी परेशान है, कोई कहीं फंस गया है तो कोई कहीं। इसी को देखते हुए दिल्ली गवर्नमेंट ने ई पास की न्यू प्रक्रिया चालू की है, जिससे इस पास द्वारा अपने वाहन से कोई भी कहीं जा सकता है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि हमारी नई नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों, किसी भी राज्य में अपने वाहन द्वारा जाने के लिए ई पास बनवाने के आपको एक लिंक पर क्लिक करना है, जो कि मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, तो आप वहां जाके उस लिंक का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। तो अगर आपने पहले ही अप्लाई कर रखा है तो दोबारा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी डेट ऑटोमेटिक 17 तक बढ़ जाएगी, और आपने पहले भर रखा है तो यहाँ स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसे भरने के लिए आपको सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर भरना होगा, उसके बाद नाम, उसके बाद कि आप स्टूडेंट हैं या वर्कर हैं या टूरिस्ट या अदर, या दिल्ली से किसी दूसरे अपने होम स्टेट में, या फिर आप दिल्ली से बाहर फंसे हुए हैं, दिल्ली आना चाहते हैं, एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, कौन से स्टेट में, वहाँ का एड्रेस, व्हीकल नंबर, कितने लोग, ट्रिप, जाना या आना जाना, डेट कब से कब तक, टाइम। उसके बाद आपको एक आईडी प्रूफ 5 MB तक का मैक्सिमम अपलोड कर देना है, और साथ में अपनी गाड़ी की आरसी दूसरे खाने में अपलोड कर देना है। उसके बाद जो जानकारी आपने दी है वो झूठी तो नहीं, नहीं तो आप पर कानूनी कार्रवाई होगी, उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है और सबमिट कर देना है। तो जैसे ही सबमिट करोगे तो आपको रेफरेंस नंबर मिलेगा, उसको चेक करते रहना है। जैसे ही अप्रूव होगा आपको SMS आएगा, नहीं तो आप स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।